नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। ये वो इलाका है जहां पर अभी भी जबरदस्त टेंशन है, तनाव है। पिछले 30 घंटों में लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उससे पूरे देश में गम है, गुस्सा है, और जिस तरह से लाशों पर सियासत हो रही है उसका दुख भी कम नहीं है। लखीमपुर खीरी में कल 8 लोगों की मौत हुई, शायद मौत कहना ठीक नहीं होगा, 8 लोगों की हत्या हुई, दर्दनाक हत्या, जिनकी जान चली गई। उनमें 4 किसान हैं, 3 बीजेपी के वर्कर हैं और 1 लोकल जर्नलिस्ट है। सबके सब बेकसूर हैं। 4 किसानों की हत्या का इल्जाम लखीमपुर खीरी के एमपी और केंद्र सरकार में स्टेट होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों पर है। लेकिन आशीष मिश्रा के जिन 3 साथियों की मौत हुई उनकी हत्या का इल्जाम प्रदर्शन करने वाले किसानों पर है, यानी लाशें दोनों तरफ से गिरी, हिंसा दोनों तरफ से हुई। सवाल यह, हिंसा हुई क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने भड़काया, किसने प्रवोक किया? प्रदर्शनकारी किसान क्या हिंसा की तैयारी करके आए थे? मंत्री के काफिले का विरोध करते करते वो हिंसक हो गए? क्या किसानों के बीच कुछ शरारती लोग घुस गए थे, या फिर मिनिस्टर के सपोर्टर्स ने किसानों को सबक सिखाने की नियत से तैयारी के साथ प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, उनको कुचल दिया? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरी घटना को तफसील से समझना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि लखीमपुर खीरी में असलियत क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कहां कंफ्यूजन है और किस बात की जांच होनी बाकी है, और सबसे बड़ी बात, इस सब के पीछे सियासत क्या है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुखबीर बादल, ममता बनर्जी, संजय सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम नेता आज लखीमपुर खीरी जाने के लिए बड़ी जल्दी में थे। क्या लखीमपुर खीरी में इन नेताओं को एक इलेक्शन इशू दिखाई दे रहा है? क्या इस संकट में उन्हें एक अवसर दिखाई दे रहा है? इन सारे सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज की हालत देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसानों की तहरीर के आधार पर किसानों की हत्या का केस दर्ज किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को नामजद किया गया है। आशीष मिश्रा सहित 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा करने का केस दर्ज किया गया है। किसान संगठनों की मांग के मुताबिक पूरी घटना की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का फैसला भी किया गया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। इस वक्त भी लखीमपुर खीरी में तनाव है, लेकिन हालात काबू में हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखीमपुर खीरी में उसी तिकोनिया गांव में मौजूद हैं जहां कल हिंसा हुई थी। आज रुचि उस स्पॉट पर पहुंची जहां कल 8 लाशें गिरी थी। रुचि की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो इस पूरे मामले की बैकग्राउंड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो कल दोपहर करीब 3 बजे के हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि लखीमपुर खीरी में कल कैसे खतरनाक हालात थे, किस तरह का दर्दनाक माहौल था। ये तस्वीरें घटना के वक्त की हैं और इतनी भयानक है कि देखना मुश्किल है। यह देखकर दिल दहल जाएगा, लेकिन इस घटनाक्रम को समझने के लिए इन्हें देखना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई देगा कल लखीमपुर में किस तरह हैवानियत का नंगा नाच हुआ। एक गाड़ी जल रही है, बगल में एक लाश पड़ी है, उसके पास एक घायल इंसान है। वो सिर उठाता है तो पास खड़े एक व्यक्ति ने उस घायल शख्स के सिर पर डंडा मार दिया। कौन था भैया?
जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसका नाम हरिओम मिश्रा है। हरिओम मिश्रा उस गाड़ी का ड्राइवर था जिस पर किसानों को कुचलने का इल्जाम लगा, और किसानों का कहना था इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा के ही कहने पर किसानों को कुचला गया था। किसानों का दावा है कि किसानों को कुचलकर इसी गाड़ी से मंत्री का बेटा भाग रहा था, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, आशीष मिश्रा तो भाग गया लेकिन गाड़ी का ड्राइवर किसानों के हत्थे चल गया। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर की पिटाई की और इतनी पिटाई की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये वीडियो भी कल का है, घटना के वक्त का है। इस वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई देगा वो अब दुनिया में नहीं है, उसकी भी मौत हो गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम श्याम सुंदर मंडल है। कल शाम श्याम सुंदर भी प्रदर्शनकारियों के हत्थे चल गया। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो खुद को किसान बता रहे थे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन किसान प्रदर्शनकारियों ने श्याम सुंदर मंडल को पीट पीट कर मार डाला, उसकी हत्या कर दी, और श्याम सुंदर मंडल से ये कबूल करवाने की कोशिश की गई कि उसे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए अजय मिश्रा ने भेजा है। घायल शख्स का वीडियो बनाया गया। श्याम सुंदर लोकल था, इसी इलाके का रहने वाला था, और उसके परिवार का कहना था कि उसका तो इस झगड़े में दूर दूर तक कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी, वो तो बस पास के गांव में दंगल देखने गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वीडियो बनाने वाले श्याम सुंदर से कुछ बातें जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते थे। वो श्याम सुंदर से ये कहलवाना चाहते थे कि अजय मिश्रा ने उसे किसानों की हत्या करने के लिए भेजा है। श्याम सुंदर ये तो कहता है कि उसे अजय मिश्रा ने भेजा, लेकिन इस बात से इनकार करता है कि वो यहाँ किसी को मारने आया था। ये वीडियो इतने दर्दनाक हैं, इतने डरावने हैं कि इन्हें बिना एडिट किए आपको नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही बात खत्म होती है तो श्याम सुंदर को पीटा जाने लगा। पहले उसे लात मारी गई, फिर उस पर डंडों से वार किया गया। टेनी नहीं भेजा है जी। अच्छा, क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। बार बार उससे कहलवाने की कोशिश की जा रही थी कि उसे मंत्री जी ने भेजा है और उससे कहा गया कि एक्सीडेंट कर दो, किसानों को मार दो, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया और इसकी कीमत उसने अपनी जान देकर कमाई। आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू लखीमपुर खीरी में श्याम सुंदर मंडल के घर गए, उनके परिवार वालों से बात की। बहन ने बताया कि श्याम मंडल बीजेपी का वर्कर जरूर था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी के साथ मारपीट नहीं की थी। वो तो दंगल देखने गया था, लेकिन उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। वो रहम की भीख मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा, अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पीट पीट कर मार डाला। ये बताइए कि आपका भाई क्या करता था और क्या नाम था उसका? मेरा भाई बस घर का काम करता था। हाँ। और दूसरे की मदद करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। हाँ। तो कैसे मौत हुई उसकी? उसे सरदार ने मार डाला।
कहाँ गया था वो? दंगल देखने गए थे। वो कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कर इनको मार, डर पकड़ पकड़ के तलवार उलवार से खान दिया, फिर भी मार दिया। खुशामद कर रहा है मेरा भाई मेरे, मैं फोटू देख रही मोबाइल पे, तो लाठी मार रहे थे मेरे भाई के। हाँ। बहुत खुशामद किया। हाँ। फिर नहीं छोड़ा, मुझे मार रहे, गाली भी दे रहे। हाँ। बहुत मारा, तड़पा तड़पा के, बहुत खून सर भर बह रहा था, सर भी फोड़ दिया। बहुत मारा तड़पा। बीजेपी वालों के साथ गया था? हाँ, बीजेपी के वही सब राय सब गए थे। निखिल मेरा भाई पर गया, रगदाइन भाजने की कोशिश करी, निखिल पकड़ लिया सरदार ने, सब सरदार ने मारा मिलकर। बहुत खुशामद की, नहीं छोड़ा मेरे भाई को। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से? सरकार से मेरी मांग है, मेरी दो भाई की लड़की है, उनका कौन देखेगा, और छोटे छोटे बच्चे, दो बहनें शादी करने के लिए दो भाई हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मुझसे काफी पहले से एक लड़का मर गया था उनका। सरकार कुछ नहीं सुन रही, दोषियों को उनको सजा दी है। मुआवजा भी परिवार चाहता है। हाँ, उनकी जब लड़की है तो उनके कौन कमोया खाया रहेगा, उनका मिलना चाहिए कुछ। इस बहन का रोना सुनकर, उसकी बात सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। श्याम सुंदर मंडल का क्या कसूर था? वो बता रहा था उसे अजय मिश्रा ने माहौल देखने को भेजा था, कितनी भीड़ है, क्या हालात हैं, ये बात वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रही है। और ये भी साफ सुनाई दे रहा है कि बार बार पूछे जाने पर भी वो इस बात से इनकार करता रहा कि उसे ये कहा गया था कि वो प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दे, एक्सीडेंट कर दे। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने श्याम सुंदर मंडल को नहीं छोड़ा, उसकी हत्या कर दी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, वो भी किसान था, उसका क्या गुनाह था? प्रदर्शनकारी किसानों का दावा है कि भीड़ ने उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, चार लोगों को मार डाला। सवाल यह है कि गाड़ी में आग कैसे लगी, गाड़ी पलटी कैसे? तो यह कहा गया कि केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर भाग रहा था, उसी वक्त गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन गाड़ी पलटी, उसमें सवार लोगों को किसानों ने घेर लिया और उन पर हमला किया। लेकिन मेरे पास जो वीडियोस हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते। लाठी डंडे और तलवारों से लैस सैकड़ों लोग गाड़ियों को घेर कर खड़े हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, गाड़ी से लोगों को खींच खींच कर बाहर निकालकर पीट रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं, और पीछे से कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि गाड़ी पलटाओ, गाड़ी पलटाओ, गाड़ी को तोड़ दो, मारो, मार डालो, मत छोड़ो। भैया अपने आदमी देख के रहना। गाड़ी पलटने के इंडिकेशन देने वाले, इसकी आवाज सुनाने वाले, लोगों पर हमला करने वाले, ये सब साबित करने वाले वीडियोस लोकल लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों ने बनाए हैं जो लोग प्रदर्शन का हिस्सा थे। इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि अजय मिश्रा के सपोर्टर्स को प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों से खींच खींच कर निकाला, बुरी तरह पीटा और इसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। घटिया लग गया।
ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ, अब सवाल ये कि प्रोवोकेशन क्या था, आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण किसान इतने नाराज हो गए कि उनके सिर पर खून सवार हो गया। वो हैवानियत पर उतर आए। किसानों का इल्जाम है कि वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का विरोध कर रहे थे, उन्हें काले झंडे दिखाना चाहते थे, लेकिन अजय मिश्रा का बेटा किसी भी कीमत पर रोड खाली कराने पर आमादा था, इसीलिए उसकी गाड़ी काफी तेजी से तकुनिया गांव पहुंची। उसने किसी की नहीं सुनी और फिर किसानों को कुचल दिया। कुछ किसानों का यह भी इल्जाम है कि आशीष मिश्रा के पास हथियार थे, उसके पास रिवॉल्वर थी, उसने गोली चलाई जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई और इसी के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। धरने पर मौजूद लोग आशीष मिश्रा के पीछे गए, वो किसी तरह बच निकला, लेकिन मौके पर जो गाड़ियां थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने आज उन किसानों से बात की, उन प्रदर्शन करने वालों से बात की जो मौके पर मौजूद थे, जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं। किसानों का कहना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा का बेटा मौके पर मौजूद नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आशीष मिश्रा गाड़ी के अंदर था और उसी की गाड़ी से किसानों को कुचला गया, गाड़ियां उन पर चढ़ा दी गई। जब हम लोग चल रहे थे तो पीछे से अचानक ये मिश्रा जी के बच्चे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और पीछे उनके दो तीन गाड़ियां थी जिसमें असलाह भरा हुआ था, वो लोग एकदम से आए और उस चलते हुए लोगों को वो कुचलने लगे। कौन बैठे थे? मिश्रा जी के लड़के थे मनु, तो ड्राइव वही कर रहे थे और पीछे उनके पास असलाह भी लगा हुआ था और सारे लोग जब उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया बेतहाशा, तो लोगों को जब घायल अवस्था में देखा लहूलुहान हो गए लोग, फिर इधर उधर उन्होंने जब आसपास सिंगल रोड है या आसपास लोगों ने छलांग लगाना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी दस्तारें पीछे पड़ी हुई हैं, कितने जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तो लोगों ने यहाँ पर छलांगे लगा के अपनी जान बचाई और बहुत सारे लोगों को इन्होंने कुचल दिया। उसके बाद मॉब ने, भीड़ ने उनको फिर पकड़ा है, तो तब जाके स्थिति थोड़ी सा कंट्रोल हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अजय मिश्रा की बात भी सुननी चाहिए। स्टेट होम मिनिस्टर हैं, जिन अजय मिश्रा का नाम बार बार लिया जा रहा है, उन अजय मिश्रा का कहना है कि किसानों ने जानबूझकर उनके प्रोग्राम को टारगेट करने की कोशिश की थी, किसान बीजेपी वर्कर्स को चुन चुन कर मार रहे थे। यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गई और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। चूंकि किसानों ने अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगाया है, इसलिए अजय मिश्रा ने आज अपने बेटे को लेकर भी सफाई दी। अजय मिश्रा का दावा है कि उनका बेटा तो पूरे वक्त गांव में ही था, वो प्रोग्राम में ही मौजूद था, बाहर आए ही नहीं, इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि बेटे ने गोली चलाई, गाड़ी चढ़ा दी, गलत कह रहे हैं, ये झूठ है, बेबुनियाद है। आज जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है, 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे, पुलिस प्रशासन SDM CO ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे, तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं
मानवता रहित होकर के की है तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती, और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। अजय मिश्रा का दावा है कि बेटे ने कुछ नहीं किया, वो कार्यक्रम में मौजूद था। लेकिन आज राकेश टिकैत सामने आए, लखीमपुर खीरी में मौजूद थे, किसानों से मिले, पुलिस के अफसरों से मिले, और राकेश टिकैत ने कहा कि उनके पास कुछ वीडियोस हैं, और ये वो वीडियोस हैं जिनमें अजय मिश्रा का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल भी है। ये कहाँ जा रहा है, आप लोग की तरफ से FIR हुई है मंत्री के बेटे पर, लेकिन जो राज्य मंत्री हैं वो भी बहुत तरह तरह से, उनकी तरफ से भी वीडियोज आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इस तरफ से भी हिंसा की गई, लोगों को मारा पीटा गया। कोई नहीं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। गाड़ियों से कुचलने का काम करा गया, भीड़ ने उन लोगों के साथ में मारपीट करी होगी। पहला अटैक गाड़ी की तरफ से था। लेकिन आपको भी जानकारी मिली कि आपके लोग, आपके जो साथी लोग थे उन्होंने भी कुछ मारपीट हुई होगी? हमने कब कहा, गाड़ी पलटी है, लोगों को मारा गया है, तो दूसरी तरफ से भी होगी। आप जैसे कह रहे थे बहुत तरह के वीडियोज आप देंगे, तो वो क्या वीडियो देंगे? गांव के लोग देंगे वीडियो। अच्छा, गांव के लोग देंगे। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, उसमें क्या देखा? उसमें उनका लड़का घर से पिस्टल हाथ में लगाते देखा, वहां पे गाड़ी लोगों के ऊपर दौड़ती देखी। ये देखा। हमने दोनों पक्ष की बात सुनी है, अब ये जांच का विषय है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सारा मामला इस पर टिका है, क्या मंत्री महोदय के बेटे ने फायरिंग की, प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचला, इसलिए किसानों ने मंत्री के सपोर्टर्स पर हमला किया, या फिर प्रदर्शनकारियों ने मिनिस्टर के सपोर्टर्स को रोका, उनकी गाड़ियों को घेर लिया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, और बीजेपी के लोग जब जान बचाने के लिए भागे उस दौरान गाड़ी की चपेट में कुछ लोग आ गए। असली वजह का पता जांच में लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि गाड़ी से कुचलकर किसानों की दर्दनाक मौत हुई, और यह भी साफ है किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने लोगों को गाड़ी से खींच खींच कर बाहर निकाला, मार डाला और गाड़ियों को आग लगा दी। अब सवाल है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। मेरी जानकारी यह है कि पिछले महीने 25 सितंबर को अजय मिश्रा अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी के दौरे पर आए थे। उस वक्त भी किसानों ने उनका विरोध करने की कोशिश की थी, उन्हें काले झंडे दिखाए थे। अजय मिश्रा इससे नाराज थे, उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी गाड़ी से उतर जाते तो विरोध करने वालों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा था ये कृषि कानून का विरोध सिर्फ 10-15 लोग कर रहे हैं, और इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। यहाँ के लोग जानते हैं कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। इसी बयान के बाद किसानों ने तय कर लिया कि अजय मिश्रा के कार्यक्रम का विरोध करना है। इसीलिए कल के उनके दौरे से पहले हजारों किसान तिकोनिया पहुंच गए। क्योंकि लखीमपुर खीरी के सभी लोगों को पता है कि हर साल अजय मिश्रा अपने गांव बलबीरपुर में अपनी मां की याद में एक दंगल करवाते हैं। इस बार इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य चीफ गेस्ट थे। केशव प्रसाद मौर्य के लिए हेलीपैड बनवाया गया था, प्रदर्शनकारियों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़क के रास्ते गए। लेकिन किसान संगठनों के लोग तिकोनिया पर काले झंडे लेकर खड़े हो गए, कोई गड़बड़ ना हो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य दूसरे कच्चे रास्ते से प्रोग्राम में पहुंचे और वहां से निकल भी गए। उसके बाद अचानक माहौल बिगड़ा, किसानों का दावा है कि उनका प्रदर्शन खत्म हो गया था, वो तो वापसी की तैयारी कर रहे थे, शाम के लंगर के लिए इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त अजय मिश्रा का बेटा गाड़ी लेकर आ गया और प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचल दिया, फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। किसान सही तरीके से अपना काम कर रहे थे, एकदम ये मोनू मिश्रा आए और इतनी स्पीड में आए कि पहले एकदम कट मारा, उधर किसान थे फिर उधर कट मारा, उधर पुलिस वाले थे उनके पैरों पे भी गाड़ी चढ़ गई, लेकिन आगे जाके वो नहीं काबू कर पाए तो एकदम किसानों पे चढ़ा दी। और हमारे तेजेंद्र भी आए थे रुद्रपुर से, उनको जो है बिल्कुल जाके गाड़ी मारी, वो ऊपर से गिर के पीछे गिर गए। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब मोनू मिश्रा निकल के भागे हैं तो उसको हमारे कुछ भाई जो है पकड़ने की कोशिश की, उसने आगे गोली मार दी,
दो को गोली लग गई, उसके बाद वो भाग के गन्ने में घुस गए। तो वो गाड़ी क्यों चढ़ाना चाहते थे, क्या बात? वो ऐसा था कि पहले इनके कोई गाड़ियां आई थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे, उन्होंने जाके बनबीरपुर में दिखा बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ किसान बहुत हैं तो इस वहाँ पर सांसद जी नहीं आ सकते हैं और ना केशवराम मौर्य आ सकते हैं। तो मोनू ने कहा क्यों नहीं आ सकते, मैं अभी जाकर उनको हटाता हूँ। तो फिर ये बड़े गुस्से से आए, आकर के इन्होंने जो है ये काम कर दिया। सोनी है जो घायल हुए हैं, इनके पैर में पट्टी बंधी हुई है, क्या हुआ था? सांसद जी के लड़के तेज रफ्तार में आए, गाड़ियाँ चढ़ा के कुचलते हुए चले गए। हाँ जी, तो उसमें तेजेंद्र भी असरा लहराते हुए निकल गए। हाँ जी, काले झंडे दिखा रहे थे, रोष कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे, उनका विरोध करने के लिए किसान खड़े हुए थे। पैर के ऊपर गाड़ी चली आपके? हाँ, हमारे पैरों पे भी गाड़ी चली। हम लोग वापसी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, धरना प्रदर्शन से रोड पे आ चुके थे, हमारे पीछे से गाड़ियाँ आई हैं हम लोगों के ऊपर चढ़ाई, हम तो खाली एक बित्ते की जगह हमारी बची है, नहीं तो मैं भी नीचे दब गया होता, बिल्कुल साफ साफ बचे हैं। वही बात ये लोग दोहरा रहे हैं, ये कह रहे कि गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी इसलिए झगड़ा बढ़ा, और अजय मिश्रा और उनके बेटे की तरफ से बार बार कहा गया कि इन प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाड़ियों से खींच खींच कर बाहर निकाला, उन्हें मार डाला। उसके बाद जब वो बचने के लिए जाने लगे तो गाड़ी से कुछ लोग कुचल गए। अब ये अलग अलग वर्जन है, लेकिन ये मामला इतना न बढ़ता, शांत हो सकता था अगर वहां किसानों को भड़काने वाले लोग ना होते। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, घटना होने के बाद का वीडियो है। इस वीडियो से यह पता चलता है कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लोग वहां पर किसानों के नेता बने हुए थे वो बार बार अपनी मांग बदल देते थे, जितना पुलिस मानती थी उससे ज्यादा डिमांड करने लगते थे, और ये वीडियो इसका एक सबूत है। पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में ये जो घटना हुई है, जो भी दोषी है चाहे जो भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी, तुरंत होगी। मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबरी कमेटी है उससे बात हो गई है, अगर जब तक 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा यहाँ से नहीं उठेंगे, और पंजाब से गार्जियन देंगे, किस भी धारा का मुकदमा लिख के देंगे लिखा जाएगा। किसान भाइयों, जो भी आप लिख के देंगे, किस भी धारा का मुकदमा आप लिख के देंगे, मुकदमा लिखा जाएगा, और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी, अभी। आप मेरी एक और बात सुनिए, जो किसान मोर्चे ने ये भी कॉल देने जा रहा है 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जब तक टैनी से उसका मंत्रिमंडल नहीं छीन लिया जाएगा हाईवे देश के नहीं खोलेंगे। लेकिन प्रशासन ने कोशिश जारी रखी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आला अफसरों को लखीमपुर खीरी भेजा, किसान नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई, किसान संगठनों के नेताओं और पीड़ित परिवारों के साथ पुलिस के अफसरों ने बात की, उन्हें समझाया, किसान नेताओं ने जो डिमांड की थी उसके मुताबिक सुलह का एक फॉर्मूला निकाला गया। समचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है, किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी, और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त
जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। सरकार ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करके बड़े अफसरों को मौके पर भेजकर किसान संगठनों के नेताओं से बात करके उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देकर हालात को काबू किया। मुश्किल काम था, प्रदर्शनकारियों को शांत किया, किसानों की मांग के मुताबिक एक्शन हो गया, हालात काबू में आए। लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मामले में सियासत का एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। चुनावी माहौल है इसलिए लखीमपुर खीरी कौन पहले पहुंचे इसके लिए होड़ लग गई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि वो सुबह सुबह 4 बजे लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे, तो प्रियंका गांधी रात में 3 बजे ही लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया था कि एहतियात के तौर पर लखीमपुर खीरी में दफा 144 लगाई गई है, इसलिए किसी भी नेता को शहर में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी प्रियंका गांधी रुकी नहीं, घर के बाहर ही पुलिस के साथ प्रियंका की झड़प हो गई, लेकिन सीतापुर में जाकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस इस मामले को कितना बड़ा बनाना चाहती थी इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि पार्टी ने अपने 2 बड़े नेताओं को, 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, पंजाब के चरण सिंह सीजन्नी और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को लखीमपुर खीरी पहुंचने को कहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने प्लेन को लखनऊ में लैंड कराने की और लखीमपुर खीरी तक हेलीकॉप्टर से जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि ये पूरा मामला सेंसिटिव है इसलिए बाहर से किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये धाराएं सब सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे, नाम से लगेंगी। यस मैम, इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे, जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं नहीं मैम, समझे, गाड़ी के नीचे कचरा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। सुबह होते होते एक एक करके अखिलेश यादव, प्रमोद तिवारी, रामगोपाल यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय सिंह, तमाम नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया। ऐसे सभी नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। अखिलेश यादव सुबह गए, जब घर से निकले उन्हें रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो उनके समर्थकों ने लखनऊ में हंगामा शुरू किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में आ गए। हिटलर शाही में भी जब कहीं हिटलर शाही की बात होती है वहां भी गाड़ी नहीं चढ़ाई गई होगी किसान पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उंगली उठ रही है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। ये हिटलर शाही के भी आगे चले गए हैं। सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए और सरकार को सभी तीनों कानून खत्म कर देने चाहिए। किसानों की मांग है मुआवजा मिलने की, मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 300 दो मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बस एक मांग, आपका ये भी ट्वीट आया था। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, हर पार्टी हर नेता इस घटना को अपने हिसाब से तोड़ रहा है। हर कोई अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाना चाहता है। सरकार ने 35 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया तो विरोधी दलों में से किसी ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर दी। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की।
और योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाकया हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है ये। इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है, और इसके लिए ज़िम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नज़र आ रही वहाँ। और आप देखेंगे अगर यहाँ यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के ज़रिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो ताकि इंसाफ हो सके। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं वो सब एक्शन में आ गए। महाराष्ट्र के नेता एक्टिव हो गए, शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को कोसा, ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के डेलीगेशन को लखीमपुर खीरी भेजने का ऐलान कर दिया था। आज ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल को झूठ मूठा बदनाम करती है, बीजेपी यूपी में राम राज्य की बात करती है लेकिन अब साबित हो गया कि यूपी में किलिंग राज्य है। बंगाल में इतना अच्छा शांति से बंगाल चलते हैं तो ह्यूमन राइट्स बेच के झूठा झूठा कहानी बना के बंगाल को बाहर में बदनाम करते हैं। और क्या एक मिनिस्टर का लड़का होने नागरिक बनाते इतना लोगों मार देता है गाड़ी चला के, चाहे गाड़ी चला चाहे गोली करके जो भी हो, लेकिन इतना आदमी का मौत होने का बाद भी वारंट फॉर जारी करने देता है, फैमिली को मिलने नहीं देता है। दिस इज वेरी बैड इंसिडेंट एंड वेरी सैड इंसिडेंट। रामराज कहते हैं थोड़ा ही रामराज है, ये तो एक किलिंग राज है। हमारा किया अगर उसको मिलने भी नहीं देंगे तो हम आने वाला दिन हम जरूर मिलेंगे। लखीमपुर खीरी तराई का वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में इसको लेकर पूरी तरह एक्टिव हो गई। लखीमपुर की हिंसा को लेकर पंजाब में प्रदर्शन शुरू हो गया। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब यूथ कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। सिद्धू ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिन लोगों ने अहंकार में आके अपनी गाड़ियां चढ़ा के किसानों की जिंदगी ली, एक पीसफुल सत्याग्रह को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए। और खट्टर की इस अहंकारी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया जाए। बाबा नानक ने किसानी हमें सौंपी, नाम ही खो देंगे तो किधर जाएंगे और पहचान खो देंगे तो बिखर जाएंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे, और जब तक जिंदा है काले कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। लड़ाई जारी रहेगी, अड़ांगे भी लड़ांगे। इसके बाद शाम को पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे। चन्नी ने राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें 3 काले कानूनों को खत्म करने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, वो बहुत ही निंदनीय हो गए, बहुत गलत होया, नजायज होया। ऐसी गवर्नर साहब ने मिली है कि उन्हें बंदियां फड़िया जाए, योग कार्रवाई करी जाए। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री मोदी से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सुखबीर ने कहा कि अफसोस की बात है, अपने देश में भी हम कहीं नहीं जा सकते। बादल ने कहा कि सरकार की पावर का इस्तेमाल करके किसानों को मारा जा रहा है,
बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बड़ी अफसोस की बात है कि ये हमारा देश है और हमारे देश में हम जा ही नहीं सकते कहाँ। अगर दुख की घटना है, ये कर्टसी है कि वहाँ जाके अपने भाइयों के साथ बैठे, उनके दुख बांटे। बहुत बड़ा धक्का किसानों के साथ किया गया यूपी में। किसान देश का अन्नदाता है, अगर किसान को ही कुचला जाएगा, किसान को मारा जाएगा, सरकार की पावर को यूज़ किया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा। देश की सरकार, सेंटर सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार बीजेपी की है, उन्होंने किसानों के साथ जंग शुरू की है और ऐसी जंग शुरू कर दी, अब कितनी जानें चली गई हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को बेनती करना चाहता हूँ कि अपनी जिद छोड़ें, किसानों की, देश की किसानों की आवाज़ सुने और ये काले कानून वापस लें। आगे जो जाने जाएंगी कम से कम वो तो बचे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेता किस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों पर लाठियां तो उन राज्यों में भी चल रही हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। आज ही तस्वीरें आई, राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। राजस्थान पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हनुमानगढ़ में किसान एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ। किसान जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर धान की ट्रॉलियां लेकर पहुंच गए, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई, किसानों ने जिला अधिकारी के दफ्तर के प्रमाइसेस में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस बात को बीजेपी के नेताओं ने इशू बनाया। यहां पर बीजेपी के नेता कह रहे थे कि प्रियंका गांधी किसानों के इशू पर सियासत करने लखीमपुर खीरी पहुंच सकती हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किसानों पर डंडे चला रही है, वो प्रियंका गांधी को नहीं दिखाई देता। धान खरीदी नहीं हो रही है वहां पर, वहां पर सरकार कांग्रेस की है। अगर ये मांग करते हुए किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, अनेकों किसान आज घायल है और अस्पताल में भर्ती है। आप ये बताइए, एक भी कांग्रेस का नेता पूरे भारतवर्ष से, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी जी, कोई भी गए हैं क्या? हनुमानगढ़ कोई भी गए हैं? दुखद यह है कि आप दूसरे राज्यों में जाकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वहां अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर अपने सरकार जहां पर है, अपनी सरकार जहां पे है, जहां कांग्रेस शासित सरकार है, वहां पर प्रियंका वाड्रा नहीं जाती। मुझे लगता है किसानों पर लाठियां ना तो राजस्थान में चलनी चाहिए, ना पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना हरियाणा में। लेकिन यह भी सही है कि किसानों को कानून हाथ में लेने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और चिंता की बात है कि किसानों के प्रोटेस्ट में अब बार बार हिंसा हो रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज पंजाब में इसका सबूत मिला। आज गुरदासपुर में कांग्रेस के एक एमएलए पर हमला हुआ। गुरदासपुर के श्री हरगोविंदपुर इलाके में कांग्रेस के एमएलए बलविंदर सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अचानक किसानों ने बलजिंदर सिंह पर हमला किया। हालत यह हो गई कि कांग्रेस के विधायक को जान बचाने के लिए गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स के केस में गिरफ्तार आर्यन खान अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। मुंबई की किला कोर्ट ने आज आर्यन के साथ अरबाब मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत सभी 8 आरोपियों को 3 दिन के लिए एनसीबी के कस्टडी में भेजा है। हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। आर्यन को एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। सतीश मानशिंदे ने अदालत को बताया कि एनसीबी ने आर्यन का फोन जब्त कर लिया है। उन व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया गया जो आर्यन ने तब की थी जब वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों के साथ ड्रग्स को लेकर चैट करना ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए कोई मामला नहीं बनता। लेकिन इसके बाद भी अदालत ने आर्यन को 3 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया। यंग जजेस के लोगों का, नए जमाने के लोगों का इस तरह से ड्रग्स केस में रंगे हाथ पकड़े जाना बहुत चिंता की बात है। और सवाल यह नहीं कि इनके पास ड्रग्स की मात्रा कम थी, उन्हें बेल मिल जाएगी
या फिर उनके पास ड्रग्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सवाल है कि नौजवानों में अच्छे भले संपन्न घर के बच्चों को ड्रग्स की आदत, ड्रग्स की लत, ये खतरनाक है। एक तरफ बड़ा रैकेट है, ड्रग्स सप्लायर का माफिया है जो काफी पावरफुल है, और दूसरी तरफ इस ड्रग माफिया को प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं जिनके तार अफगानिस्तान तक फैले हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, माता पिता की है, जिन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को इस खतरे से बचाने की जरूरत है। क्योंकि ये हमने देखा है कि अगर समय रहते नहीं संभले तो बात कब हाथ से बाहर निकल जाएगी और कब बच्चों को जेल में देखना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जहां तक इस केस का सवाल है, अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि ड्रग पेडलर कौन है, ड्रग्स का इंतजाम किसने किया, और ये सारी बातें बाहर आना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।